तो कैसी है मेरी SK28 की पब्लिक आई? सभी बहुत बढ़िया होंगे और यार हमेशा बढ़िया रहो। तो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और टॉप 5 हिडन प्लेस का वीडियो। और यार लाना पड़ा क्योंकि आप लोगों की डिमांड भी थी, साथ ही साथ पिछला वीडियो का रिस्पांस यार इतना अच्छा मिला। तो इस वीडियो का लाइक हमें आपको एक घंटे में कंप्लीट करने हैं। 25,000 लाइक, 25,000 ज़्यादा हो रहे हैं, चलो 22,000 लाइक आपको कंप्लीट करने एक घंटे में। तो अभी लाइक कर दो लाइक एम कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो मतलब चैनल पर न्यू हो, तो नीचे आपको लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और SK28 की पब्लिक से जुड़ जाओ। और मज़ेदार बात ये है यार, वो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला आपका। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए वीडियो को बिना चाबी लगाए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे एक चैनल मिला है सौम्य रॉय का। ये दुनिया भर घूमते हैं, मस्त और इंटरेस्टिंग जिंदगी जीते हैं, हमेशा छुट्टियां मनाते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं, वो भी बिना कोई हार्ड वर्क किए। क्या आप ऐसे जिंदगी के बारे में सोच सकते हो? रॉय अपने चैनल पर अमेजिंग वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लग्जीरियस लाइफ अपने सब्सक्राइबर के साथ। जो भी बिना रूटीन जॉब किए पैसा कमाना चाहते हैं, उनको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो पैसे कमाने का एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करते हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो और अपने सपने पूरे करना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से ओपन करो, उनका चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ, उनके चैनल पे मस्त गिव अवे होने वाले हैं, तो यार ये चांस मिस बिल्कुल भी मत करना। तो यार ये रही हमारी फर्स्ट वाली हिडन प्लेस, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है कोई भी गाड़ी की, या फिर आप ग्लू वॉल का भी यूज कर सकते हो। तो आपको गाड़ी को यहाँ पर लाकर खड़ा कर देना है और इसके बाद आपको गाड़ी के ऊपर चढ़ना है। और अब आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो गाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद आपको एक जंप मार के ऊपर आ जाना है, और आपको अपने साथ एक लॉन्ग रेंज की गन जरूर लाना है, तभी आपको मजा आएगा। आपको बिल्कुल बीच में आ जाना है। इसके बाद आप नीचे बंदों का किल कर पाओगे लॉन्ग रेंज में, साथ ही साथ अगर वो बंदा आपको देख भी लेता है तो आप आराम से बीच में आके लेट जाओगे, तो यार बंदा बिल्कुल भी आपको नहीं मार पाएगा, बिल्कुल भी डैमेज नहीं आएगा। और अगर आप चाहते हो ग्लू वॉल का यूज करके ऊपर चढ़ना, तो यार जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर सकते हो और आराम से ऊपर बैठ के रैंक पुश कर सकते हो। तो यार अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड नंबर की हिडन प्लेस पर। तो यार सेकंड नंबर की जो हिडन प्लेस है काफी ज्यादा नॉर्मल है, पर यार मैं गारंटी ले रहा हूं, इसमें अगर आप हाइड हो गए कोई भी एनिमी आपको नहीं देख पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको क्या करना है, जहां मैं जा रहा हूं वहीं जाना है, पर आपको ये ड्रम है वो लेकर आना है अपने साथ। तो यार ये ड्रम को आपको लाना है और ठीक यहां पर आके आपको यहाँ पर आकर बैठ जाना है। तो अगर आप यहाँ पर भी बैठ जाते हो तो भी कोई बंदा नहीं देख पाएगा, पर अगर आप इसके पीछे जाके बैठ गए तो यार सच बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर आपको देख ले तो मुझे बोल देना यार, कोई भी बंदा नहीं देख पाएगा, मतलब यार समझ ही नहीं पाएगा कि यहाँ बंदा हो सकता है। तो यार आप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर जल्दी जोन श्रिंक हो जाता है, तो यार टेंशन मत लो, एक ही जगह ऐसी नहीं है, तो आप ये दूसरी वाली जगह देख सकते हो। यहाँ पर तो जोन कई बार बनता है, मतलब लास्ट का जो सेकंड जोन होता है वो तक तो कई बार बनता है मतलब। तो आप यहाँ पर आके आराम से रैंक पुश कर सकते हो, कोई भी एनिमी नहीं सोच सकता कि आप यहाँ पर होंगे। तो यार काफ़ी अच्छी हिडन प्लेस लगती है मेरे को, नॉर्मल भी है और आराम से आप यहाँ पर रैंक पुश कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड नंबर की हिडन प्लेस पर। तो यार थर्ड नंबर की प्लेस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत मस्त तरीके से हाइड होने वाले हो। तो यार ये वाली प्लेस तो आप जानती होंगे, बीमा शक्ति से ऊपर की है, पता ही होगा। तो यार यहाँ पर एक घर है जो हमेशा लॉक होता है, उसका गेट कभी भी नहीं खुलता, पर आज हम इस गेट को खोल के अंदर जाने वाले हैं और देखेंगे अंदर क्या है। तो आपको क्या करना है, इस घर के पास आकर आपको रन करते आना है, मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम वैसे करना, मतलब रन आप करते आओगे, उसके बाद आपको अपने नेट को ऑफ़ कर देना है जैसा मैं कर रहा हूँ। तो आप देख ही रहे होंगे मैं रन करते आ रहा हूँ और इसे ही मैंने नेट ऑफ़ कर दिया अपना। इसके बाद आपको क्या करना है बता देता हूँ। तो यार आपको वेट करना है 99+ का ऊपर, और जैसे ही आपके नेटवर्क जाएंगे पिंग हाई हो जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ लगाते हुए फैक्ट्री की तरफ या फिर मान लो क्लॉक टावर की तरफ जाना है। तो यार कितने दूर जाना है वो बता देता हूँ। तो यार जब तक हमारे आलोक चचा रनिंग कर रहे हैं तब तक आपको बता दूँ, इस वाले हिडन प्लेस का यूज़ किसी का किल करने के लिए मत करना, क्योंकि यार सामने वाला अपनी रैंक पुश कर रहा है, आप उसकी वाट लगाओगे फालतू में, तो यार ये अच्छा नहीं है, क्योंकि यार ये एक बग है तो इसमें किसी की गलती नहीं है। तो यार और जो हिडन प्लेस है उसमें आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हो, पर ये एक बग है, एक ग्लिच है, तो इसमें सामने वाले की रैंक माइनस ना हो, इसलिए आप सिर्फ अपनी रैंक बढ़ाने की सोचो तो रैंक पुश वगैरह कर सकते हो। तो यार आपको सिर्फ यहाँ तक आना है, इसके बाद आपको अपना नेट ऑन कर लेना है, और 99+ जैसे ही हटेगा उसके बाद आप सीधे घर के अंदर चले आओगे। तो यार देखो अंदर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे कोई भी बंदा आपको नहीं देख पाएगा, चाहे तो आप बाहर एनिमी को मार भी सकते हो, लेकिन मारना नहीं है, बस आपको अपनी रैंक पुश करना है। बाकी जो और हिडन प्लेस है उसमें जैसा मारना है, हेडशॉट मारना है मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें मत करो क्योंकि ये ग्लिच है। तो यार ये देखो एनिमी को लगा कि यहाँ पर कोई बंदा होगा और वो गाड़ी से उड़ाने आ गया, पर यार मैं तो अंदर हूँ, वो देख भी नहीं पा रहा। और ये देखो यार बंदे को देखो, मैंने भी अंदर से नहीं मारा, मैं भी बाहर से ही मार रहा हूँ, वैसे उसने देखा भी नहीं कि मैं अंदर से आया, पर यार बंदे का किल
तो ये थी हमारी थर्ड नंबर की हिडन प्लेस, और आप लोगों को ये वाली हिडन प्लेस काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो यार अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ नंबर की हिडन प्लेस पर। फोर्थ नंबर की हिडन प्लेस की लोकेशन आप लोग पहचान गए होंगे, पीक के नीचे की है, और आप यहाँ पर काफ़ी देर सर्वाइव कर सकते हो, साथ ही साथ बंदों का किल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है बस छुपे रह सकते हो, आप बंदों का किल भी कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी लॉन्ग रेंज की गन की और एक ग्लू होल की। तो आपको ग्लू होल कुछ इस तरह से लगा देना है, जो ड्रम है इसके पास जैसा मैंने लगाया ठीक वैसा लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बाउंड्री है उसके ऊपर चढ़ना है। तो यार आप डायरेक्ट यहाँ से चढ़ सकते हो, नहीं जा सकते थे, आपको अपने गन का स्कोप का यूज़ करना पड़ेगा जिससे एक छोटा सा जंप लग जाता है। तो यार ये इसके ऊपर चढ़ चुके हैं हम। इसके बाद आपको ड्रम पर चढ़ना है और ड्रम के बाद ग्लू होल पर, फिर एक जंप मारोगे तो आप सीधा ऊपर चले जाओगे। तो यार आप सोच रहे होंगे ऊपर बाउंड्री है, पर यार टेंशन मत लो, हम यहाँ ऊपर चढ़ चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं आ पाएगा और आप लॉन्ग रेंज में बंदों का आराम से किल कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई देख भी लेता है एनिमी तो आप पीछे साइड आ सकते हो, कवर ले सकते हो, बहुत बड़ा कवर आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से किल कर सकते हो, अपनी रैंक पुश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेफ जोन स्ट्रीम काफ़ी देर में आराम से लेट कर भी हाइड हो सकते हो। तो यार काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और यहाँ पर अच्छी बात ये कि आप यहाँ पर किल भी कर सकते हो। अगर बंदा आपको देख भी लेता है कोई, तो आप आराम से छुप कर बंदे का किल कर सकते हो। ये थी हमारी फोर्थ नंबर की हिडन प्लेस। अब बसती है फिफ्थ नंबर की हिडन प्लेस जो कि लास्ट है। उससे पहले बता दो, अगर आप अभी तक वीडियो पर रुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता देता हूं, ये देखो यार एनालिटिक्स देखो मेरे चैनल के, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास वीडियो जाती है, मुझे जानते हैं अच्छे से, वीडियो भी देखते हैं पूरा, ऐसी बात नहीं है, वीडियो भी देखते हैं और शायद लाइक भी कर देते हो तभी उनके पास वीडियो जाती है। पर यार उनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। पर यार उसमें से अगर आप भी हो यार चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो। ये रही हमारी लास्ट प्लेस। इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है वो बता देता हूँ, क्योंकि आप इसका यूज़ ज़्यादा देर तक या लंबे समय तक नहीं कर सकते। इसका यूज़ आप सिर्फ ऐसा कर सकते हो कि आपका नेट थोड़ा स्लो है, आपको ऑन करके ऑफ़ करना है, या फिर आपको कोई मैसेज का रिप्लाई करना है, उस टाइम आप खड़े नहीं रह सकते, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। थोड़ा जैसे व्हाट्सअप पर मैसेज आ गया किसी का, उसका रिप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हो, बाकी लंबे समय के लिए नहीं रुक सकते, क्योंकि यार कोई भी जिपलाइन यूज़ करेगा वो आपको देख सकता है। तो यार ये देखो यहाँ पर मैं आराम से हाइड हो जाऊँगा। अब ये मत बोलना कि यार हमें लॉन्च पैड के पास आना पड़ेगा ये करने के लिए, अगर आप लॉन्च पैड के पास हो तब इसको यूज़ कर सकते हो। तो यार ये देखो यहाँ पर आके लेट जाओ, कोई भी बंदे का ध्यान नहीं जाने वाला अगर वो लॉन्च पैड का यूज़ नहीं करता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आगे आपको एक क्लिप बता देता हूँ। तो यार मैंने इसका यूज़ करा था ग्रेवियार्ड पर, वहाँ पर दो बंदे हैं पर दोनों में से किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। तो यार पहला बंदा मेरे सामने से गया पर उसने मुझे नोटिस नहीं किया, फिर दूसरा बंदा आता है ये देखो इसने भी मुझे नोटिस नहीं किया, और दोनों आपस में लड़ने लगे पर दोनों में से कोई मुझे नोटिस कर ही नहीं पा रहा कि यहाँ पर मैं लेटा हूँ। तो यार इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, लाइक है मैं 4 घंटे में 22,000 लाइक, तो यार फटाक से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो यार बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और थैंक यू सो मच, हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं।